हेलो दोस्तों कैसे हैं हम लोग जैकोबियन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं उसी क्रम में ये अगला क्वेश्चन है कि इफ़ यू वन इक्वल टू एक्स टू एक्स थ्री अपॉन एक्स वन यू टू इज इक्वल टू दिस एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का फंक्शन और यू थ्री एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का फंक्शन देन फाइंड दी जैकोबियन ऑफ यू वन यू टू यू थ्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ठीक है तो इसका जैकोबियन हम लोग इजिली फाइंड कर लेंगे अगर यू वन की वैल्यू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के टर्म में दी हो यू टी यू टू की वैल्यू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के टर्म में और यू थ्री की वैल्यू एक्स वन एक्स टू के टर्म्स में दी हो तो जैकोबियन निकाल सकते थे हाँ ऐसा दिया हुआ है इसका मतलब यू वन यू टू यू थ्री ये तीनों ही एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं ठीक है अगर आ, U1 का X1, X2, X3 के रिस्पेक्ट में लिख पाते हैं U2 को इनके रिस्पेक्ट में लिख पाते हैं उसमें U1 और U3 ना रहे ठीक है और U3 की वैल्यू X1, X2, X2, X3 के टाइम में लिख पाएं उसमें U1, U2 ना रहे तो ऐसे फंक्शन को हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं तो यहाँ एक्सप्लिसिट फंक्शन है हम लोग डायरेक्ट जय निकाल सकते हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए ए के टी यू में आ, 2017 में 2011 में और 2010 में पूछा गया ठीक है तो देखिए सॉल्यूशन U1 की वैल्यू दी है U2 दिया है और U3 ठीक है जैकोबियन ऑफ U1 U2 U3 विद रिस्पेक्ट टू X1 X2 X3 कितना आएगा फार्मूला डेल U1 वन अपॉन डेलेक्स वन डेल यू वन अपॉन डेलेक्स टू डेल यू वन अपॉन डेल एक्स थ्री इससे पहली रो कंप्लीट हो गई फिर डेल U2 टू अपॉन डेल एक्स वन डेल यू टू अपॉन डेलेक्स टू डेल यू टू अपान डेल एक्स थ्री इससे दूसरी रो कंप्लीट हो गई डेल यू थ्री अपान डेल एक्स वन डेल यू थ्री अपान डेल एक्स टू डेल यू थ्री अपान डेल एक्स थ्री तीसरी रो कंप्लीट हो गई ठीक है अब डेरिवेटिव कर लो यू वन का एक्स वन के रिस्पेक्ट में तो एक्स टू एक्स थ्री एज ए कॉन्स्टेंट वन अपान एक्स वन का डेरिवेटिव एक्स वन के रिस्पेक्ट में माइनस वन अपान एक्स वन स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हुआ माइनस एक्स टू एक्स थ्री अपान एक्स वन स्क्वायर इसी तरीके से यू वन का एक्स टू के रिस्पेक्ट में तो एक्स थ्री अपान एक्स वन एज ए कॉन्स्टेंट होगा और एक्स टू का एक्स टू के रिस्पेक्ट में डेरीवेटिव वन सो एक्स थ्री अपॉन एक्स वन एक्स थ्री अपॉन एक्स वन और x3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x2 टू अपान एक्स वन कॉन्स्टेंट एक्स का वन हो जाएगा सो x3 थ्री अपन एक्स वन हो गया u2 का x1 के रिस्पेक्ट में x3 थ्री अपन एक्स टू आ जाएगा x3 थ्री अपन एक्स टू एक्स टू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x1, x3 थ्री एज ए कॉन्स्टेंट और वन अपान एक्स टू का डेरिवेटिव माइनस वन अपान एक्स टू स्क्वायर हो जाएगा सो माइनस एक्स वन एक्स थ्री अपान एक्स टू स्क्वायर और एक्स थ्री के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एक्स वन अपान एक्स टू हो जाएगा ठीक है एक्स वन अपान एक्स टू इसी तरीके से यू थ्री का एक्स वन के रिस्पेक्ट में करिएगा तो एक्स टू अपान एक्स थ्री हुआ फिर एक्स टू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वन अपान एक्स थ्री और ये एक्स थ्री के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वन एक्स टू एज ए कॉन्स्टेंट वन अपान एक्स थ्री का डेरिवेटिव माइनस वन अपान एक्स थ्री स्क्वायर सो माइनस एक्स वन एक्स टू अपान एक्स थ्री स्क्वायर ठीक है तो ऐस इस डिटर्मेंट को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसको सिंपल बना लेते हैं डिटर्मेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं तो देखिए अगर अपान में एक्स वन स्क्वायर कामल ले लें वन अपॉन एक्स स्क्वायर पहली रो से दूसरी रो से वन अपॉइन एक्स टू स्क्वायर और तीसरी रो से वन अपॉइन एक्स थ्री स्क्वायर कामल ले लें तो ये फ्रैक्शन का पोर्सन हट जाएगा ठीक है तो कामल ले लीजिए पहले से आपने वन अपान एक्स वन स्क्वायर लिया तो यहाँ एक्स वन स्क्वायर बना लो तो ये हो जाएगा एक्स वन एक्स थ्री अपान एक्स वन स्क्वायर ये एक्स वन बना लो यहाँ पर भी एक्स वन तो एकस वन एक्स टू अपन एक्स वन मतलब इसको एक्स वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो इसको वन से कर लो, तो वन कामन हो गया तो कितना आया माइनस एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन एक्स थ्री और x3 और x1 x2 ये देखिए पहली रो हो गई इसी तरीके x2 स्क्वायर कॉमन लिया है दूसरी रो में तो ये x2 x3 हो जाएगा माइनस एक्स वन एक्स थ्री और ये x1 x2 ये देखिए दूसरी रो हो गया और तीसरी रो एक्स थ्री स्क्वायर कामन लिया वन अपन एक्स थ्री स्क्वायर तो एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन एक्स थ्री माइनस एक्स वन एक्स टू ये हो गया उसके बाद देखिए पहली कालम में पहले कालम में एक्स टू एक्स थ्री कामन दूसरे में एक्स वन एक्स थ्री कामन तीसरे में एक्स वन एक्स टू कामन तो ये कामन ले लीजिए ठीक है तो कितना हुआ यहाँ से माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन ये हो गया अब देखिए ये इसमें एक्स वन इंटू एक्स वन एक्स वन स्क्वायर हो गया जो कि इसको कैंसिल कर देगा एक्स टू इंटू एक्स टू एक्स टू स्क्वायर हो जाएगा इसको कैंसिल कर देगा एक्स थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स थ्री स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा तो डिटर्मेंट ऑफ दिस इस डिटर्मेंट को ओपन कर लीजिए अब तो क्योंकि डिटर्मेंट सिंपल हो चुका है तो माइनस वन इंटू ये कैंसिल है कैंसिल वन माइनस वन जीरो आया फिर माइनस वन माइनस वन इन करस्पॉन्डिंग रोज काला माफ कर देते हैं फिर माइनस वन इंटू वन माइनस वन फिर वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन इन ये हो गया वन प्लस वन ठीक है डिटर्मेंट ओपन करना आप जानते ही हैं सो दिस इक्वल टू पहला जीरो हो गया दूसरा प्लस का टू तीसरा प्लस का टू तो फोर आ गया तो जैकोबियन ऑफ यू वन यू टू यू थ्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इक्वल टू क्या आ गया फोर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये धन्यवाद